शिवपुरी में जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी का बयान, अब देश को शासक नहीं सेवक की जरूरत। और शिवराज ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा झूठे वायदों की यूपीए सरकार। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश ने शासक तो काफी देख लिए, अब उसे शासक नहीं सेवकों की जरूरत है। लोकतंत्र में सेवक जनता के सुख दुख के साथी होते हैं। शिवपुरी में एक चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना एकाधिक मसलों पर उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राजमाता सिंधिया के योगदान को वे और उनकी पार्टी कभी नहीं भुला सकेगी। मोदी ने कहा कि मतदाता देश के भाग्य विधाता हैं। उल्लेखनीय है कि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जयभान सिंह पवैया को मैदान में उतारा है। सिंधिया पिछली बार इसी सीट से जीते हैं। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिले के विकास और किसानों को हर संभव सहायता दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि वे अगले साल कॉलेज जाने वाले बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें भारत का सौतेला बेटा समझती है। केंद्र ने प्रदेश के हिस्से के विभिन्न मदों के 6,000 करोड़ रुपए काटे हैं। कमलनाथ पर उन्होंने व्यंग बाण चलाते हुए कहा कि कमलनाथ लोगों को चलते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने चुनाव के वक्त मेडिकल कॉलेज के नाम पर कागज का टुकड़ा भेजा है। केंद्र ने सड़क पानी योजनाओं में अड़ंगा लगाया है। विधानसभा में पार्टी की हार पर उन्होंने कहा कि हमसे भूल हुई होगी, इसलिए ये हार मिली। बालाघाट केंद्र की यूपीए सरकार ने जनता से जो वायदे किए हैं उन पर अमल नहीं कर पाई है। ना महंगाई दूर हुई है, ना ही गरीबी कम हुई है। इतना ही नहीं, गरीबों के हितों की योजनाओं का भी उन्हें केंद्र की जनविरोधी नीति के चलते लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बातें लांजी के मोहझरी गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। पूर्व की तरह सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार मध्य प्रदेश सरकार और जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। कहा कि एक पहिए पर गाड़ी तेज गति से नहीं दौड़ सकती है, जिसके चलते प्रदेश का विकास अपेक्षाकृत गति से नहीं हो पा रहा है। समान सरकार बनने से ही तेजी से विकास की परिकल्पना साकार होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लोकसभा निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद सहित अन्य अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। कॉन्फ्रेंसिंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तैयारियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने खजुराहो में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान कर सकें, इसके लिए संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान के पूर्व संपूर्ण तैयारियां कर ली जाएं। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, प्रमुख सचिव गृह आर के स्वाई, एडीजी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा आयुक्त सागर संभाग आर के माथुर, पुलिस महानिरीक्षक सागर क्षेत्र पंकज श्रीवास्तव सहित संभाग के जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।